धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दाहिनी नमामि त्वाम। मतलब जब भारत माता का भी वर्णन हुआ तो तुम्ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, वो दशभुजा देवी का अवतार बनाया। जब दशभुजा देवी ने अवतार लिया था तो वो कैसी हुई थी? उन्होंने बोला था कि अहंग दुर्गी अहंग राष्ट्री, मतलब मैं दुर्गा हूँ और मैं एक राष्ट्र हूँ। और मेरा राष्ट्र का सामर्थ्य कैसे बनता है? जब मैं हर किसी से कुछ ना कुछ लेती हूँ तो मैं एक राष्ट्र बनती हूँ। जैसे मैंने विष्णु से उसका शंख लिया है, ब्रह्मा से वेद लिए हैं, शंकर से उसकी शक्ति ली है, वैसे एक राष्ट्र का है। जब हम भारत माता को कुछ देते हैं तो वो एक राष्ट्र बनती है। इसलिए कि हमको अभी ये समझना पड़ेगा कि जहाँ धार्मिक एकत्रीकरण होता है वहाँ राष्ट्रीय जागरण करना भी उतना ही आवश्यक है। आप सबने एक भजन सुना होगा, वैसी परिस्थिति हमारे देश की है। समय कम है लंबी है मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा, हे परम तपस्या के पथी तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। तो नूतन पथ रच के ही हमको चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक कहीं ना कहीं जाना है। इसलिए मैं ये वीर रस की अटल जी की एक कविता बोलती हूँ जिसमें अटल जी ने वर्णन किया है भारत माता का। तो वो कहते हैं कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। दिल्ली इसका दिल है, कश्मीर इसका मुकुट है, पंजाब और बंगला दो विशाल कंधे है, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है, माथे की चंद्रमा इसकी बाली है, पावस के काले मेघ इसके केश है, सूरज इसका तेज है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। मतलब भारत माता की जय।